इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे। केंद्र व राज्य की सरकार है हमारी मांगे माने, केंद्र व राज्य की सरकार है हमारी मांगे माने, केंद्र व राज्य की सरकार है हमारी मांगे माने। मैं बिहार प्रदेश का स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का संयोजक चंपारण का लाल डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, केंद्र व राज्य की सरकारों को स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के संबंध में बताना चाहता हूं कि इस देश के लिए वे अपने जवानी को कुर्बान कर दिए। इस देश को उन्होंने परिवार माना। हिंदुस्तानियों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार और शोषण के विरुद्ध में उन लोगों ने ब्रिटिश अत्याचारियों से लड़ा और इस देश को आज़ाद कराया। आज स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार आर्थिक बदहाली में जी रहा है, जिस पर केंद्र व राज्य की सरकारें ध्यान नहीं देती है। ये सरासर अन्याय है। केंद्र व राज्य की सरकारें सबका साथ सबका विकास का न्याय के साथ सबका विकास का नारा देती है, जो भ्रामक व मिथ्या है। न्याय की बात करने वाले केंद्र व राज्य की सरकारों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी सारी संपत्ति को कुर्बान कर दिया, जवानी को कुर्बान कर दिया, आज उसका परिवार आर्थिक बदहाली में जी रहा है, ये कौन सा न्याय है। मैं केंद्र व राज्य की सरकार को चेतावनी नहीं बल्कि निवेदन करता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं दी जाती थी, सम्मान पेंशन दी जाती थी, उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार को दिया जाए। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को केंद्र व राज्य की सरकारें आरक्षण का लाभ दे, वो भी मुझे 10% चाहिए। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। मैं केंद्र व राज्य की सरकार के कान के मैल को मैं साफ करना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो इस देश के प्रति अमूल्य योगदान रहा, उसको ऐसे भुनाया नहीं जा सकता है। आज जिनके बाप दादा देश की गुलामी करते थे, आज इस देश पर शासन कर रहे थे, लेकिन मेरा अधिकार बनता है कि हम इस देश पर शासन करें। स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान पेंशन आर्थिक एवं अन्य सुविधाएं